गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऋषिकेश राइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजू। तो आज हो गई है 23 अगस्त 2022 और ये हमारा लेह लद्दाख ट्रिप का आज फोर्थ डे है। कल जैसे मैंने शाम को आपको बताया था, कल हम श्रीनगर से आ गए थे कारगिल में। इस समय मैं हूं कारगिल में। मैं आपको कारगिल की सुबह दिखाता हूं। इस समय बता रहे हैं सुबह के 7:45, 6:45, सूरज उग गया है सामने। तेज़ सूरज है समय, तेज़ क्योंकि लेह लद्दाख की धूप भी बहुत तेज़ होती है। ये सामने कारगिल शहर पूरा देखिए आप। और ये सामने मेरे सुरु रिवर, इसका बहाव देखिए कितना तेज़ है। इस नदी का नाम है सुरु रिवर है। तो मित्रों, आज का प्रोग्राम ये है, आज हम जाएंगे लेह। यहाँ से लेह की दूरी है यहाँ से 220 किलोमीटर कारगिल से। और बीच में जो भी देखने वाले स्पॉट्स हैं वहाँ पे हम रुकेंगे, जैसे फोटोला टॉप, 13,500 फुट की हाइट पे है ये। लेह श्रीनगर हाईवे का सबसे ऊंचा पास है ये। और उसके बाद फिर हम जाएंगे लेहमारू। लेहमारू से आगे निकलेंगे, हम जाएंगे मैग्नेटिक हिल, संगम, पत्थर साहिब गुरुद्वारा होते हुए हम शाम तक लेह पहुँच जाएंगे। तो जो भी आगे आगे एक्टिविटीज़ होगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो फिलहाल 7:30 बजे का हमने टाइम दे रखा है ब्रेकफास्ट का अपना। मैं सबको उठाता हूँ, सारे ग्रुप मेंबर्स जितने भी हैं, और फिर नाश्ता करके सामान लादने में करीब 8:30-9 बज जाएंगे चलते चलते। जर्नी थोड़ी पहाड़ के हिसाब से लंबी है ये, तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। ये सुबह सुबह हमारे नरेश माधवा भाई, सतीश खरे भाई तैयार हो गए हैं, क्योंकि 7:30 का टाइम दे रखा मैंने। ये अनिल कोकरा जी हैं, ये भी तैयार हो गए हैं। ये देवराज सर हैं, ये छोटू है अपना उस्ताद, कैसे चोररिया, विजय चोररिया साहब। और कहा बदरंग जी हैं आपके साथ, आपके साथ कौन है? पटेल साहब, पटेल साहब हैं। ये हमारे पटेल सर हैं सुबह सुबह। ये बजरंग गुड मॉर्निंग जी। और ये देखो जिसकी मैंने आज जिनकी आज पोस्ट करी थी, लीखम राम जी, हमारे ग्रुप के सबसे दबंग, हमारे ग्रुप के सबसे दबंग और सम्मानित सदस्य लेखन राम जी। तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। चलो ठीक है। अभी अशोक भाई हमारे भाभी जी, ये हमारी भाभी जी, अनिल अग्रवाल भाई और मामा जी हमारे सत्यनारायण जी, सब तैयार हैं। और ये दोनों भी हैं, विधु और ये छोटू उस्ताद। देखिए अजय, अजय उपाध्याय, अनिल कोकरा जी से मिलवा दिया था। ये प्रदीप भाई है, प्रदीप पुंडेजा जी। ये देखो सुबह के बाद, क्योंकि मैंने बताया था लेह लद्दाख में धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़। 7:30 बजे ऐसा लग रहा हमारे यहाँ के जैसे 9 बज रहे हों। तो हमारे ग्रुप मेंबर ये देखिए नाश्ता करते हुए, ये आ गए सब। चलो आगे, आगे। नमिता नहीं, चलो आ जाएंगे सब। नरेश भाई खाया? ओके ओके सर, ओके। ये है देखिए सब ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट में अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया हमारा, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट था। अब हमारा ये देखो टेम्पो ट्रेवलर में सामान लोड हो रहा है ये। अब हम लेह की तरफ निकल रहे हैं, 8:30 बज गए हैं, 15-20 मिनट और लग जाएंगे, 9 बज जाएंगे। तो ये अपने ग्रुप मेंबर भी भाई लोग हमारे सब तैयार हैं, गेट रेडी सब। दोस्तों सामान लोड हो गया है, ऊपर छत पे भी हो गया, वो आगे वाले टेम्पो की छत पे हुआ, इसमें पीछे डिक्की में रख दिया। लोग सब बैठ गए हैं, ड्राइवर हमारा भाई तैयार है। तो अब चल रहे हैं लेह की तरफ, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये कारगिल है, कारगिल से निकल रहे हैं हम लेह रोड की तरफ। शाम हो जाएगी जाते जाते, क्योंकि बीच में 3-4 जगह रुकना है हमको, फोटूला पास, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल, ये सुरु नदी का पुल क्रॉस करते हुए लेह रोड पे जाते हुए। We'll be right back.
दोस्तों मूलबैक आ गया है जो कि कारगिल से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है और मैंने यहाँ गाड़ी रुकवाई है। यहाँ है गौतम बुद्ध जी की 2000 से 2500 वर्ष पुरानी मूर्ति, हम वहीं जा रहे हैं अभी। मूलबैक स्थित इसी शिला पर मैत्रेय बुद्धा जी की आकृति है, 2 से 2500 साल पुरानी। और ये सामने देखिए व्यू, ये देखिए ये मैत्रेय बुद्ध है, भविष्य बुद्धा। जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा था तो ये बोला था मैं भविष्य में जब भी जन्म लूंगा मैत्रेय के रूप में लूंगा, मैत्रेय नाम से इनका जन्म होगा जब भी होगा। भविष्य बुद्धा, मैत्रेय बुद्धा, इनका एक छोटा सा मॉनेस्ट्री टाइप का बना रखा है ये। मेडिटेशन कर रहे हैं। ये कलाकारी हो रखी है पेंटिंग्स मॉनेस्ट्री के अंदर। ये देखिए पेंटिंग्स बहुत पुरानी है। महाराज जी कितने साल पुरानी मूर्ति है? फर्स्ट सेंचुरी 2000। और कितना फुट लंबी ऊंची है ये? 45 होगा सर। 45 फुट, अच्छा 45। ये 45 फुट ऊंची मूर्ति है ये इस चट्टान पर, बिल्कुल सामने आ जाओ। फर्स्ट सेंचुरी की मूर्ति कह रहे हैं ये, पूरी आ रही है, इसका मतलब 2000 साल पुरानी मूर्ति है ये। एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, हम मॉनेस्ट्री से चलते हैं। अब रुके, दोस्तों अब पहुंच गए हम श्रीनगर लेह हाईवे के सेकंड पास पे। फर्स्ट पड़ा था जोजिला पास, दूसरा नाम किला पास है ये। इसका एल्टीट्यूड है 12,198 फिट। ये देखिए आप, नाम किला पास है ये। सीनरी देखिए यहाँ से आप, ये सेकंड पास है श्रीनगर लेह हाईवे का। देखो कहाँ आ गए हम, ये देखिए आप, ये देखिए पर्यटकों का उत्साह। ये देखिए आई लव नाम किला, 12,198 फिट। दोस्तों अब हम चढ़ रहे हैं फोटोला पास की चढ़ाई। फोटोला पास करीब 5 से 6 किलोमीटर है यहाँ से, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है यहाँ पर, इसलिए मैंने अपनी टोपी निकाल ली और चश्मा लगा लिया है। अब पूरे समय मेरे पास टोपी चश्मा लगा रहेगा, नहीं तो आंखें सनबर्न, आंखें खराब हो सकती हैं। और चेहरे पे क्रीम लगा रहा हूँ मैं, सनस्क्रीन और लिप गार्ड, ये यहाँ ज़रूरी है, टोपी लिप गार्ड चश्मा और ये चीज़। तो ये देखिए आप, हम अभी समय फोटुला की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा देखिए लेह लद्दाख का आप, इतना सुंदर सीन है, अलग अलग रंग के पहाड़ पर्वत, बहुत ज़ोरदार जगह, मनमोहक। ये देखिए आप, अलग अलग रंग के पहाड़ यहाँ पर, कुदरत का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए फोटुला पास की चढ़ाई है। ये फोटुला पास में बता दूँ श्रीनगर लेह हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पास है ये। उसके बाद हम नीचे लेमारू होते हुए लेह की तरफ निकल जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं आपसे फोटुला पास पर। एक बार ग्रुप के मेंबर की भी शक्ल दिखा देता हूँ, ये थके तो नहीं गई? अशोक भाई, भाभी जी, सीमा जी, ये मामा जी चुप हैं आज, अनिल भाई भी आज चुप से हैं थोड़े, विधु, और ये तो मस्त है, बाकी पीछे वाले तो दो लोग बहुत सुस्त हैं आज। छोटू उस्ताद पूरा मनोरंजन कर रहा है, और ये अपने संजीव भाई पूरे प्रसन्न मुद्रा में है सब। Thank you.
दोस्तों अब हमारा ग्रुप पहुंच गया है श्रीनगर लेह हाईवे के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे फोटुला पास पर। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ये समुद्र तल से इसकी हाइट है 13,489 फुट। तो ये श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये नज़ारा देखिए पब्लिक की, वो देखिए यहाँ पर एंजॉय कैसे कर रहे हैं, पब्लिक का उत्साह देखिए आप, बाइकर्स ये देखिए फोटुला टॉप 13,489 फुट श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मौसम एकदम बदलता है, एकदम जैसे धूप है। पिछली बार मैं आया था कि यहाँ इस टाइप की ही धूप थी, लेकिन एकदम से बर्फ़ पड़ने लग गई थी। आसमान का रंग देखिए कितना साफ कितना चमकदार है। ये देखिए श्रीनगर लेह हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट ये फोटुला टॉप 13,489 फुट हाइट पे है ये। और ये हमारे बाबू जी देखिए क्या दबंगाई से खड़े हुए हैं अभी भी तन के एकदम, ये मिसाल है सबके लिए। 76 है एकदम जोश खरोश के साथ। ये हमारे बजरंग भाई है, ये पटेल साहब है हमारे, इस तरफ पटेल साहब की DSLR से भी एक फोटो खिंचवानी है मुझे, बहुत बढ़िया बढ़िया होगी। ये देखिए नज़ारा देखिए शानदार प्राकृतिक व्यू फोटोला टॉप का, ये देखिए आप ये बाइकर्स, ये श्रीनगर इधर और श्रीनगर से लेह इधर जा रही है। तो श्रीनगर लेह हाईवे यहाँ से 150 किलोमीटर करीब अभी अपना लेह है, 140 किलोमीटर होगा करीब ये अपनी दोनों टेम्पो ट्रेवलर अपनी गाड़ियाँ। तो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ दोस्तों, अब यहाँ से 5-7 मिनट में हम आगे चले जाएंगे लेह की तरफ। ये देखिए मित्रों फोटुला टॉप से क्या व्यू है, एकदम ऊपर थोड़े काले बादल भी है और ये देखो नज़ारा, इधर नीले बादल एकदम और ये फोटुला टॉप है। तो मैं अब फोटुला टॉप से चलता हूँ, 15-20 मिनट से यहाँ पर हैं हम और अब आगे लेहमारू निम्मू होते हुए हम लेह की तरफ जाएंगे, पत्थर साहब गुरुद्वारा संगम और मैग्नेटिक हिल होते हुए। ठीक है मित्रों मिलते हैं आगे। ये देखिए सामने नीचे मेरे ये लेहमारू है ये, और सामने ऊपर है मोनेस्टी, लेहमारू मोनेस्टी वही तो मोनेस्टी है व्हाइट बिल्डिंग। तो ये सामने लेहमारू की तरफ आ रहा हूँ। तो मित्रों ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये है लेहमारू मोनेस्टी, काफ़ी पुरानी मोनेस्टी है ये भी, बहुत विख्यात मोनेस्टी है। और नीचे जितना देख रहे हैं ये सब लेहमारू है, ये लेहमारू गाँव ये है। अभी क्योंकि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं मोनेस्टी में, क्योंकि हमें 4-5 पॉइंट और कवर करने हैं, टाइम लग जाएगा हम लोगों को, इसलिए हम मोनेस्टी में नहीं जा पा रहे हैं अभी, यहीं से आपको दिखा रहे हैं ये। तो ये बाकी ग्रुप मेंबर आधे से ज़्यादा तो अंदर बैठे हैं, तो कोई नहीं अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे लेह की तरफ जा रहे हैं हम, फिर आगे आपसे मिलते हैं हम आगे जाइए। अब हम लेहमारू से चल दिए हैं नीचे की तरफ, गाड़ी को तेल भरवाएंगे उसके बाद सीधे रुकेंगे मैग्नेटिक हिल पर हम। मैग्नेटिक हिल पड़ेगा आपके, जलस्कार संगम पड़ेगा और पत्थर साहिब गुरुद्वारा पड़ेगा, उसके बाद हम लेह चले जाएंगे। तो अब चल रहे हैं हम मैग्नेटिक हिल की तरफ। एक बार और ग्रुप मेंबर को देखिए, चेहरे पे मुस्कान है कि नहीं है, देखते हैं जी छोटे सब खुश हैं, सबके चेहरों पे मुस्कान है, इसका मतलब जिंदा दिल लोग हैं सब, नहीं तो अभी तक लोग बोर हो जाते हैं। देखिए ग्रुप के लोग ग्रुप के लोग कितने दिलदार और जिंदा दिल है हमारे, ऐसा ही ग्रुप है हमारा।
आप एक जगह रुके हैं खलस्ती से पहले, ड्राइवर साहब को भूख लगी है, और मेरे साथ ये संजीव भाई हैं, ये अशोक भाई हैं, ये गुड़िया हमारी अनन्या, और ये विदु है। बाकी लोग कोई चाय पी रहा है, कोई आमलेट खा रहा है, कोई मैगी बनवा रहा है, कोई परांठे खा रहा है, जो भी है। तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, यहाँ छाया में बैठा हूँ मैं, मज़ा ले रहे हैं। अभी ड्राइवर साहब भी खाना खा रहे हैं, भूख लग रही थी उन्हें, थोड़ी देर बैठते हैं जब तक नहीं आते वो, फिर आगे की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, मैग्नेटिक हिल के पास पहुंच गया हूं। ये आ गया शायद ना, हाँ ये आ तो गया, मैग्नेटिक हिल आ ही गया, बल्कि आने वाला क्या आ ही गया है, वहां गाड़ी रोकूंगा। ये एक ऐसा पहाड़ है जो गाड़ियों को अपनी चुंबकीय शक्ति की से अपनी ओर खींचता है। ये देखिए यहां लिखा है मैग्नेटिक हिल, इसके बारे में ये सारा कुछ जो भी है ये लिखा है, देखिए इसके बारे में दोस्तों, मैग्नेटिक हिल। और यहाँ पे लोग बाग में पिछली बार आया था, वो पहाड़ पे लिखा है देखो मैग्नेटिक हिल, यहाँ की तरफ गाड़ियाँ गुड़ियाँ ले जा रहे थे लोग, प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। ये देखो गाड़ी न्यूट्रल करी है ये, बल्कि यहाँ पर ऊंचाई है, बल्कि ऊंचाई की तरफ गाड़ी अप्याम जा रही है, देखिए देख रहे हो आप, अप्याम जा रही है, देखिए ये देखो, ये देखिए अप्याम गई नहीं गई। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया, दो दो तीन तीन गाड़ी वालों ने, तो इस क्षेत्र को मैग्नेटिक हिल बोलते हैं। कुछ होगा पहाड़ों में कुछ आकर्षण का केंद्र, कुछ मैग्नेटिक का या कुछ किसी चीज का, यहाँ से वो पास होती होगी अपनी वो जो एक, हाँ लाइन है जो भी है एक्स वाई जेड इतनी। तो ठीक है दोस्तों, अब इस मैग्नेटिक हिल से हम चलते हैं आगे पत्थर साहब गुरुद्वारा, फिर वहाँ से अपने होटल रूम में चले जाएंगे लेह की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक हिल से अब मैं चलता हूँ। दोस्तों अब हम मैग्नेटिक हिल से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, तो अब मैं वहाँ आ गया हूँ। ये मेरे सामने देखिए ऊपर, ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, यहाँ से श्रीनगर, यहाँ से लेह रहता है 25 किलोमीटर करीब करीब। ये गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब का मुख्य द्वार है, ये पत्थर साहिब नाम इसलिए पड़ा इस गुरुद्वारे का कि ऊपर हिल है जो आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ऊपर है झंडा जहाँ है, वहाँ से शैतान ने पत्थर लुढ़काया था गुरु नानक देव जी पे, यहाँ वो तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही उनके पास ये पत्थर आया वो मोम का हो गया, और गुरु जी ने अपनी पीठ पे संभाल लिया उसको, जब से इसका नाम पड़ गया गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ये वो हिल है जहाँ से पत्थर खिसकाया गया था, ये रास्ते से जा रहे हैं जो लोग वो ऊपर तक, और वहाँ से जब पत्थर आया तो गुरु जी की यहाँ पीठ तक आते आते वो मोम का बन गया, तो गुरुजी ने अपनी पीठ पे ले लिया वो पत्थर, यहाँ रखा हुआ है गुरुद्वारे में। तो इसके पीछे ये कहानी थी। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब के अंदर, तो
ये पत्थर है वो जो शैतान ने नानक देव जी के ऊपर डाला था और ये मोम का बन गया था। ये पीठ का निशान भी है, पीठ पे ले लिया था नानक देव जी ने। ये वो पत्थर है। पत्थर साहब गुरुद्वारे से अब हम जा रहे हैं लेह की तरफ। ये पत्थर साहब गुरुद्वारा नानक जी, और ये लेह की तरफ हमारी गाड़ी रवाना हो गई है, तो मिलते हैं आगे। लेह पहुंच चुके हैं हम, अभी एयरपोर्ट पीछे गया है, ये लेह सिटी आ गया है। होटल की लोकेशन मैंने ये लगा दी है, होटल दिखा रहा है यहाँ से 6 किलोमीटर 12 मिनट। ये गूगल लोकेशन डाल दी है मैंने, ये सामने लेह आ रहा है, ये देखिए। यहाँ हॉल ऑफ फेम है, ये है, इसको अब हम कल देखेंगे। इस समय बज गए हैं 17:45, मतलब दिन के 5:45 हैं। ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ से कि जैसे ही दिन के 3 या 4 बजे, धूप इतनी चटक है यहाँ। सबसे बड़ा प्रिकॉशन यहाँ ये है, लेह लद्दाख में धूप बहुत तेज होती है, बहुत अच्छी वाली सनस्क्रीन लगानी चाहिए, गॉगल लगाओ, सिर पे कैप जरूर लगाओ और फोटो का लिप गार्ड जरूर लगाओ, नहीं तो ये चमड़ी जल जाती है यहाँ पर। तो ये लेह सिटी है, हम पहुँच रहे हैं 11 मिनट में, तो आपसे मैं अपने गेस्ट हाउस में मिलता हूँ, ठीक है मित्रों। तो मैं यहाँ होटल में, ले होटल में अपना चेक इन कर लिया, सारे गेस्ट को मैंने चेक इन करा दिया है। दोस्तों मैं होटल यंगफील्ड में हूँ, यहाँ पर जाम ठहरे हुए हैं लेह में, और डिनर शुरू हो गया है, ये 8:15 बज रहे हैं समय रात के। ये गेस्ट हाउस है, ये कर रहे हैं यहाँ पर अपने ग्रुप के मेम्बर्स। तो आज का एपिसोड, आज का सफ़र मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, सुबह 8 बजे हम करीब 8:30 बजे कारगिल से चले थे और सब चीज़ देखते हुए यहाँ पहुँच गए थे हम लेह में। तो अब डिनर वगैरह करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो यहीं तक का था आज का ब्लॉग, कल का हमारा लेह लोकल है, लोकल घूमेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं। जब आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम मित्रों, शुभ रात्रि।